Assalamu alaikum. Today we are going to learn the chapter of gathering information and scanning the environment. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए या उसकी सक्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, विच मीन्स कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और इंफॉर्मेशन इन द सेंस के कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, जिस इन्वायरमेंट में उस प्रोडक्ट ने फ्लोट करना है उस इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना एंड स्कैनिंग द इन्वायरमेंट. एंड इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में प्रोडक्ट बन रही है उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट हो गया, या जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है लाइक लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो आपके कंज्यूमर का कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, इन सब इन्वायरमेंट को, इस इन्वायरमेंट को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को स्टडी करने के दौरान हमें क्या जो है मेन पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए, किन मेन पॉइंट्स को देखना होता है जिससे जो है हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको हम अपनी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर किस चीज़ को पसंद करता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ का मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को देखा जाए. सो नीड्स एंड ट्रेंड्स, इन चीज़ों को, ज़रूरियात को और ट्रेंड्स को, नीड्स को और ट्रेंड्स को जो है स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए. क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसकी कस्टमर को नीड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो भी उसके सक्सेस के चांसेस कम है, या अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है तो भी उसके सक्सेस के चांसेस कम है. नीड्स और ट्रेंड्स में फर्दर तीन किस्म की कैटेगराइजेशन आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट के जो जो मार्केटर्स हैं इन तीनों किस्म के, जिसे कहना चाहिए कि जो एक एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, इन तीनों किस्म के चेंजेस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ फैड. फैड इस किस्म का ट्रेंड होता है या फैड इस किस्म की एक ड्राइव होती है एनवायरनमेंट के अंदर जो कि क्विकली आती है और क्विकली चली जाती है. ठीक है, इसका जो है सस्टेन नहीं करती काफ़ी अर्सा तक, इसको फैड कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि आते हैं फ़ौरन से वो पीक पे जाते हैं और मेच्योरिटी की स्टेज नहीं देखते, फ़ौरन डिक्लाइन पे जाते हैं. इसी तरह कई फैशन ऐसे होते हैं, कई ट्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लिपस्टिक के कलर्स ऐसे होते हैं, नेल पॉलिशेस के कलर्स ऐसे होते हैं जो कि यकदम हिट होते हैं और यकदम जो है मार्केट से या ट्रेंड से आउट हो जाते हैं, या कंज्यूमर्स डू नॉट फॉलो दैट ट्रेंड एनी मोर, तो जिसको कहा जाता है फैड. नेक्स्ट वन इज ट्रेंड. ट्रेंड एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी ड्राइव होती है जो कि सस्टेन करती है एनवायरनमेंट के अंदर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. जिस तरह किस चीज का ट्रेंड है आजकल, सोशल मीडिया का ट्रेंड है आजकल, फेसबुक से ज़्यादा ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है. इसी तरह आजकल लोग जो है अखबार कम पढ़ते हैं, लोग जो है ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं ज़्यादा, तो इस चीज़ का ट्रेंड है. तो ये चीज़ है जिसने काफ़ी अरसे से एनवायरनमेंट में सस्टेन किया और लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज रखा है. नेक्स्ट वन इज़ मेगा ट्रेंड. मेगा ट्रेंड एक ऐसा बड़ा ट्रेंड होता है जिसने लोगों की लाइफ्स को चेंज किया होता है. जिस तरह फॉर इंस्टेंस इंटरनेट का ट्रेंड मेगा ट्रेंड था, इसी तरह फेसबुक ने एक मेगा ट्रेंड डाला था जिसके अंदर सोशल नेटवर्किंग की एक उसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो उसके देखा देखी लॉन्च होने लगे, तो ये एक मेगा ट्रेंड था. इसी तरह बहुत सारे मेगा ट्रेंड्स हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन का मेगा ट्रेंड है जो कि लोगों की लाइफ में बाकायदा चेंज लेकर आए. तो आपकी प्रोडक्ट आइदर फैड को कैटर कर रही है, ट्रेंड को कर रही है, या मेगा ट्रेंड को कर रही है, तो इन तीनों चीज़ों को जो है फोकस में रखना, माइंड में रखना आपको है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो फैड को फोकस करे तो ऑफ कोर्स उसकी जो सस्टेनेंस है वो इतनी नहीं होगी, ट्रेंड को या मेगा ट्रेंड को करे तो जाहिर है कि इट विल बी लिटिल बिट लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट विल स्टडी ट्रेंड्स शेपिंग द बिजनेस लैंडस्केप. कौन सी इस किस्म की एनवायरमेंटल ड्राइव्स हैं या इस किस्म के ट्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस लैंडस्केप को या बिजनेस को शेप अप करते हैं, या बिजनेस को के अंदर जो है वो एक न्यूनेस लेकर आते हैं. प्रोफाउंड शिफ्ट्स इन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जितने भी शिफ्ट्स आते हैं वो आपके बिजनेस लैंडस्केप को जो है वो इफेक्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपके स्टॉक्स की कीमत जो है या आपके करेंसी की कीमत
जो है एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो जाहिर कि ये बिजनेस लैंडस्केप को इफेक्ट करेगी। अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग चल रहा है तो जाहिर है डिफरेंटली इफेक्ट करेगी। इसी तरह इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी, जितने लोग अवेयर होंगे बिजनेस लैंडस्केप जो है वो उस तरह से वर्कआउट करेगा। अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों को अवेयर करने के लिए। चेंज इन कंज्यूमर लैंडस्केप, कंज्यूमर लैंडस्केप मीन्स कि कंज्यूमर की लाइफ के जो चेंजेस हैं वो कंज्यूमर लैंडस्केप के चेंजेस है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की लाइफ चेंज होती जा रही है, कंज्यूमर की जिस तरह फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर की लाइफ चेंज की एग्जाम्पल दे, क्योंकि पहले वर्किंग वेमेन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है, तो कंज्यूमर की लाइफ में शिफ्ट तो आया। तो जब कंज्यूमर की लाइफ पैटर्न्स, लाइफ साइकिल्स चेंज होते हैं, तो लाइफ साइकिल चेंज होने के बाद कंज्यूमर की जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज भी जो है इस तरह से इफेक्ट होती है। जिस तरह जितनी वर्किंग वेमेन ज्यादा है, इतना जो है पैकेज फूड प्रोडक्ट्स का ट्रेंड आ गया, या डाइनिंग आउट का ट्रेंड आ गया, या होम डिलीवरी ऑफ द फूड का ट्रेंड आ गया। तो ये चीजें जो है वो पहले नहीं थी, लेकिन कंज्यूमर के लैंडस्केप चेंज होने के साथ ये चीजें भी आ गई। टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट आ गया, वाईफाई आ गया, कंज्यूमर आर मोर अवेयर, दे आर मोर विटी, अब उनको चीजों का ज्यादा पता है, तो यू कैन नॉट जस्ट गिव देम एनीथिंग। स्कार्सिटी ऑफ वेल ट्रेंड टैलेंट, अगर आपके पास वेल ट्रेंड टैलेंट नहीं है, या वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं है, या वेल ट्रेंड पीपल नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है वो क्वाइट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह पानी की डिमांड बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो बिजनेस के ऊपर भी जो है वो सब्सिक्वेंटली चेंज आ रहे हैं। एमर्जेंस ऑफ न्यू ग्लोबल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल इंडस्ट्री के जो है वो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह ग्लोबल इंडस्ट्री पहले मूव करी थी, अब उस तरह नहीं है। फॉर इंस्टेंस ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर 20 ईयर्स पहले तक हलाल फूड इंडस्ट्री या हलाल प्रोडक्ट्स का वो ट्रेंड नहीं था जो अब है। तो ग्लोबल इंडस्ट्री के भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बिजनेस लैंडस्केप में चेंज आता है। ubiquitous एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, विच मीन्स कि हर किसी को एक्सेस है भी इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज की वजह से, सो द कंज्यूमर आर मोर अवेयर। मैनेजमेंट शिफ्ट फ्रॉम आर्ट टू साइंस, लोगों के जो शिफ्ट है मैनेजमेंट के कंपनीज के, वो आर्ट से शिफ्ट होकर साइंस पे जा रहे हैं। इंक्रीज इन द स्क्रूटनी ऑफ बिग बिजनेस प्रैक्टिसेस। अच्छा, और कौन सी इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं जो कि बिजनेसेस की वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, या बिजनेस की वर्किंग को जो है इफेक्ट कर सकती हैं? तो इन्वायरमेंटल फोर्सेस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अब हम इन सब फोर्सेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। जिस भी कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं या आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा, तो वहां की पॉपुलेशन और वहां की डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक मीन्स मिक्स ऑफ जेंडर या किस किस्म के ग्रुप्स वहां पे उस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। इस चीज में क्या आ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, किस परसेंटेज से उस कंट्री की या उस नेशन की जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन एज मिक्स, विच मीन्स बच्चे ज्यादा हैं, यंगस्टर्स ज्यादा हैं, मिडिल एज ज्यादा हैं, ओल्ड ज्यादा हैं, किस किस्म के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एथनिक मार्केट्स, कितनी ज्यादा एथनिसिटी, कितना ज्यादा हेट्रोजीनियस एनवायरमेंट है। एजुकेशनल ग्रुप्स, वहाँ के लोग कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं, कितने ज्यादा एजुकेशन की तरफ ट्रेंड है, ठीक है। हाउस होल्ड पैटर्न्स, हाउस होल्ड पैटर्न मीन्स के घर वहां पे क्या फैमिली लाइफ है, वहां पे इंडिविजुअल लाइफ सिस्टम है, किस किस्म का वहां पे हाउस होल्ड पैटर्न है। और जियोग्राफिकल शिफ्ट, विच मीन्स कि क्या रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट है या नहीं है, या लोग अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट करें, या दोनों कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें, इन फैक्टर्स को देखते हैं तो ही जो कंपनीज हैं या बिजनेसेस है अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर पाते हैं, या अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली उसकी प्लानिंग कर सकती है। पॉपुलेशन एज ग्रुप देख लें, किसी तरह से भी कैटेगराइजेशन की जाती है, लेकिन ये किसी खास नेशन की जो है यहाँ इस बुक में इस तरह से कैटेगराइजेशन हुई हुई थी कि इस तरह सबसे ज्यादा देखें पॉपुलेशन एज ग्रुप में 65+ लोग हैं, प्री स्कूल है, स्कूल एज है, टीन्स है, इस किस्म के पॉपुलेशन एज ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग, डेट एंड क्रेडिट,
कितनी कंट्री की इनकम है, कितनी जो है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सेविंग्स है, क्या डेट एंड क्रेडिट की रेशियो है, ये चीज जो है आपके बिजनेस की सक्सेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कंट्री की स्टेबल इकोनॉमी है, तो स्टेबल इकोनॉमी की वजह से बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ही स्मूथली और कॉन्स्टेंट वे में या एक स्टेबिलिटी की वे में जो है मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अनस्टेबल है, जिस तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज की होती है, जो एवरीडे अनस्टेबिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन आ रही होती है, तो लोग वहां पे इन्वेस्ट भी उस तरीके से नहीं कर रहे होते और ना इंटरेस्टेड होते हैं इतना ज्यादा शेयर लेने में, क्योंकि बहुत अनसर्टेन इन्वायरमेंट होती है। सो एक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स डू वी कंसिडर? व्यू ऑफ देमसेल्स, जिस कंट्री में या अपने बारे में, जिस कंट्री में भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, वहां पे लोग अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने बारे में सोचने का मतलब कि अपने बारे में क्या वो खुद को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, क्या खुद को वो मॉडर्नाइज कंसिडर करते हैं, रिलीजियस कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द व्यू ऑफ देयर ऑफ देम सेल्व, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, व्यू ऑफ अदर्स, वो दूसरी नेशंस के बारे में या दूसरों के बारे में किस तरह सोचते हैं, क्या पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, दूसरों की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, डिस्ट्रक्टिव करते हैं। सो ये जो है कल्चर्स का इम्पैक्ट होता है, कल्चर्स के जो अंदर ये ट्रेंड होते हैं। व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की बिजनेसिस के बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, नेचर के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। तो स्टेप वाइज थी ये सारी चीजें, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहा था। नेक्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट आजकल क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का जो है वो एरा चल रहा है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को कंसिडर करती है, बिजनेसेस जो है क्वाइट कंसिडर करते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर समझते हैं अपने प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आजकल के बिजनेसेस को क्या है कि रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज है। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज हो चुके हैं। एंटी पोल्यूशन जो प्रेशर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, और गवर्नमेंटल प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं या इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन के लॉज हैं वो गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा वो टाइट किए हैं। तो ये सारी चीजें बिजनेसिस की एफिशिएंसी के ऊपर काफी इफेक्ट डालती हैं। अब एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जाहिर है कि प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाती हैं, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होने की वजह से एक्सपेंसिव हो जाती हैं, एंटी पोल्यूशन प्रेशर होते हैं, तो कंपनीज बाय बाइंडिंग इन्वायरमेंट का किसी ना किसी इतना ख्याल कर रही होती है, तो ये सब फैक्टर्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, कीज टू अवॉइडिंग मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ करंट सिचुएशन में लिव कर रही होती है और फ्यूचर को नहीं सोच रही। जब वो फ्यूचर को नहीं सोचती तो वो मायोपिया का शिकार हो जाती है, शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार हो जाती है। दे कंसिडर देम सेल्व द बेस्ट, तो इस चीज को अवॉइड करने की जरूरत है। और इन चीज को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? कस्टमर वैल्यू पोजिशनिंग, ठीक है, कस्टमर को एज अ वैल्यूएबल एंटिटी फील कराया जाए। कैलिब्रेशन ऑफ कंज्यूमर नॉलेज, कंज्यूमर के बारे में नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए, जैसे कि इस चैप्टर की एसेंस है कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाए इन्वायरमेंट से मुतलिक, और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड। क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्लेम्स, के प्रोडक्ट के जो बारे में जो आप क्लेम्स करें उनको क्रेडिबल रखें। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पहले जिस तरह से टेक्नोलॉजी इस तरह एडवांस नहीं थी तो प्रोडक्ट्स भी एडवांस नहीं थी, लेकिन जिस पेस के साथ हर गुजरते हुए कुछ अरसे के बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को चेंज करें। जिस तरह टीवी पहले बटन वाले थे, फिर पता नहीं LCD आ गया, अब LED आ गया, तो इन सारी चीजों के साथ ट्रेंड चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बटन वाला टीवी नजर नहीं आएगा आपको, LCD नजर नहीं आएगा आपको, LED नजर आएगा। इसी तरह आपको पहले जो है वो बटन वाले फोन से पहले भी एक अजीब सी तरह के फोन होते थे, बहुत बड़े से साइज के एंटेना होता था, वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, छोटा फोन कॉम्पैक्ट साइज का आ गया, फिर वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एंड्रॉयड आ गया। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अगर कंपनीज उस लिहाज से अपनी पेस को चेंज ना करें तो दे विल फॉल बिहाइंड, जिस तरह से एग्जाम्पल है नोकिया की और एग्जाम्पल है कोडेक की। अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की शिफ्ट जो है वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी दे रही होती है इनोवेट करने की।
जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, कंपनीज जो हैं वो अपने आप को अपडेट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के लिए बजट्स एलोकेट कर रही होती हैं, एंड इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ चेंज. और जो है कंपनीज के ऊपर जो है वो बाइंडिंग भी होती है कि वो अपने आप को चेंज करें, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करें. पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इंक्रीज इन बिजनेस लेजिस्लेशन, ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो भी पॉलिटिकल नेसेसिटीज होती हैं या जो लीगल नेसेसिटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन वो फुलफिल नहीं करते तो जाहिर है कि उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है. जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रांस फैट की अमाउंट बताना जो है वो लीगल बाइंडिंग है. इसी तरह आपको जो है ट्रू इंफॉर्मेशन पैकेजिंग के ऊपर बताना, ये लीगल बाइंडिंग है. और यहाँ आपको एंटी पोल्यूशन एक्टिविटीज करना, ये आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग है. तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि जिस कंट्री में आप ऑपरेट करें वहां की लीगल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट को देखते हुए आप आगे चलते हो. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसके अंदर हमने एनवायरमेंट एनालिसिस पढ़ा है, और जिसके अंदर हमने ट्रेंड्स, मेगा ट्रेंड्स, फैड्स को पढ़ा है, और डेमोग्राफिक्स को, पॉपुलेशन को. अगर कोई भी क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच.